हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खेल फेल। तो आज की वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं विंडोज 11 बेटा के बारे में। कोशिश करेंगे कि सारी की सारी चीज़ें जो है कवर कर ले इस वीडियो के अंदर। ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करते, सो लेट्स बिगन। विंडोज 11 की बूटअप स्क्रीन तो आपने देख ही ली होगी स्टार्टिंग में। अब जो हम बात करते हैं इसमें हमें क्या क्या जो है फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हमें जो है इसके अंदर एक नए वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। देखिए पर्सनलाइजेशन में जाके बैकग्राउंड में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए सारे ये आ गए अपने बैकग्राउंड नए वॉलपेपर्स। कुछ ये है जो मेन स्क्रीन है। एंड हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को अभी भी पता चली वो ये है कि जैसे ही हम कोई पेपर जो है चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से डार्क वाला लगा दिया, अभी लाइट वाला था, सब स्क्रीन देखना ऐसा लग रहा है स्क्रीन का जो है कलर चेंज हो गया। अगर नोटिस किया होगा आपने तो स्क्रीन का जो है कलर चेंज हो गया है बैकग्राउंड से। ऐसा लग रहा है पन्नी सी चढ़ाई हुई है उसके ऊपर, कोई पतली सी पन्नी जो होती है ऐसी चढ़ाई हुई है। एंड उसका जो है रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है एंड काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को ये वाली। इसी के साथ हमें जो है इसमें कुछ नई थीम्स भी देखने को मिल जाती है। लाइक आपको जो थीम पसंद हो आप लगा सकते हो इसके अंदर। जैसे कि ये देखिए पर्पल एंड ये बैकग्राउंड के साथ ब्लू एंड ब्लैक, वाइट एंड ब्लू। तो मैं आपको एक एक थीम जो लगा के दिखा देता हूँ। लाइक ये रेड वाली एंड ब्लैक वाली थीम मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ एक बारी। सो देखिए जैसे ही हमने ये लगाया तो नीचे की स्क्रीन जो है हमारी पूरी ब्लैक हो गई है एंड ऊपर की भी ये जो ब्लैक हो चुकी है एंड सारा हमारा जो है सिस्टम वो ब्लैक हो गया है। जैसे ये देखिए सारा सिस्टम हमारा ब्लैक हो गया, ये देखिए सारा ब्लैक एंड वाइट में हो गया ज़्यादातर। सो बस इसी तरीके की और भी थीम है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। वो जो रेड कलर जो शो हो रहा था वो मुझे अभी भी पता चला कि वो जो है शो हो रहा था। लाइक हमने कोई भी रिसेंट ऐप जो अपने क्लिक करी तो आप देख रहे होंगे नीचे के साइड जो है यहाँ पे ये रेड आ गया है, जबकि ये वाइट आता है अगर हम वाइट की हमारा सिलेक्ट होता है, ब्लू आता है अगर ब्लू वाला सिलेक्ट होता है। एंड ओवरऑल जो है इसमें ये देखिए हमारा पूरा डार्क मोड हो जाता है, क्रोम को भी ये जो डार्क कर देता है। लाइक दूसरी ऐप है तो उनको भी एक डार्क मोड में अपने थीम के अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज कर देता है, सबसे बढ़िया चीज़ है इसकी। एंड हम बात करें लुक्स की तो इसमें जो लुक्स में सबसे ज़्यादा विंडो 11 में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है विंडोज़ की। अब विंडो की दबाने से होता क्या है, जैसे विंडो की दबाएंगे तो हमारा ये जो स्टार्ट मेन्यू खुल गया है एंड हमारा स्टार्ट मेन्यू जो बिल्कुल ही चेंज है इस बारी। जो स्टार्ट मेन्यू हमें विंडो 10 में देखने को मिलता था वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट था पूरा, जबकि अब जो है विंडो 11 में बिल्कुल मिडल में शिफ्ट हो चुका, लाइक मैक का जो OS है उसकी तरह। एंड हाँ एक चीज़ और, जो सर्च ऑप्शन है वो हमें जो है नीचे देखने को मिलता था विंडो 10 में इस साइड पे कुछ, एंड अब जो है वो ऊपर पहुंच चुका है। विंडोज 11 के अंदर जो है आइकन्स कुछ इस तरीके का चेंज देखने को मिलता है। विंडोज़ का जो आइकन है वो इस तरीके का हो गया है, सर्च का इस तरीके का हो गया है एंड ये हमारा चैट यानी हैंगआउट का जो इस तरीके का हो गया है। एंड ये जो हमारा जिस PC वाला विंडोज एक्सप्लोरर का जो है वो तो सेम ही है एंड माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का। अब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी जो है काफ़ी हद तक चेंज किया गया, तो एक बारी दिखा देख लेते हैं हम कि कैसे चेंज है ये। सो ये देखिए पूरा का पूरा कस्टमाइज कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को। सर्च ऑप्शन पहले यहाँ पे था वो यहाँ पहुँच चुका है एंड काफ़ी नई नई ऐप्स जो है इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं विंडोज 11 में स्पीड पे हमारे सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो स्पीड से मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ एक बारी। क्लिक किया हमने ये ओपन हो गया तो स्पीड में जो कुछ ज़्यादा फर्क देखने को हमें नहीं मिला है। बट हाँ मुझे एक प्रॉब्लम देखने को मिली है इस विंडोज 11 के अंदर। अब मेरे को ये नहीं पता कि ये मेरे साथ ही है या फिर ऑल विंडोज 11 बेटा मोड में जो है प्रॉब्लम देखने को फेस करने को मिलती है। सो जैसे मेरी प्रॉब्लम मेन ये है, जैसे मैं जो है किसी भी ISO और डिस्क वाले जो ऐप है उसको क्लिक करूँगा वो जो है लोड नहीं होगा एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है लोड होने में। जैसे मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। सो ये देखिए तो ये देखिए जैसे मैंने GTA 5 का अपना ये ISO है क्लिक करा हुआ है एंड ओपन कर रहा हूँ बहुत टाइम से, बट ये ओपन नहीं हो रहा। एंड हाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मेरे को पता भी नहीं चलता कि मैं अपने सिस्टम को जो ओपन नहीं छोड़ता
तो ये जो आईसो है ओपन तो हुआ लेकिन 2-3 आवर्स बाद, लाइक ये जो है मैंने ओपन किया था 3:15-16 पे किया था, बट ये जो ओपन हुआ था अराउंड 5:30 का अराउंड पे, तब तक तो मैं अपने सिस्टम बंद ही कर देता हूँ, कोई भी बंद ही कर देगा। एंड ये जो है मुझे बहुत गलत चीज़ लगी इसके अंदर, ये मेरे को नहीं पता प्रॉब्लम मेरे साथ ही है और किसी के साथ भी है, बट अगर ऐसा है तो गलत है। एंड हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो GT5 जो है मैं क्रैक वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, सो थोड़ा वेट करो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सो आप ये देखिए, मेरे पास जो GT5 का प्रीमियम वर्जन अवेलेबल है एपिक गेम स्टोर पे, मैं जेन्युइन चीज़ यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं है क्रैक चीज़ ही यूज़ करता हूँ, जेन्युइन करता हूँ। बट GT5 प्रीमियम वर्जन ये जो है ऑफिशियल वाले में, इसमें मुझे कुछ इशू आ जाता है, एंड ये जो है मेरे मोड्स जो है सही से वर्क नहीं कर रहे थे। सो मैं आपके लिए चैनल पे जो है और अच्छे अच्छे काफ़ी कंटेंट लाने वाला हूँ GT5 से रिलेटेड, अब एंड काफ़ी अच्छे अच्छे मोड्स जो है इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ एंड गेम प्ले करने वाला हूँ। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, भूलना मत अब। सो विंडोज 11 के अंदर जो सबसे बड़ा हाईलाइट था वो था मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में ये जो और ज़्यादा काफ़ी अच्छा कर दिया गया, इंप्रूवमेंट कर दी गई है इसके अंदर। सो हम जो अगर सेटिंग में जाएंगे तो मल्टीटास्किंग में जाके देखते हैं। सो ये मल्टीटास्किंग हमारा, इस पर ऐसे हम क्लिक करेंगे, सो हमारा ये जो एक आ गया स्नैप विंडोज़। ये जो काफ़ी एक पावरफुल टूल है, मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ ये ऑफ है तो इससे क्या होता है। ऑफ होने से देखिए ऑफ है, सो जैसे हम अपने कर्सर को यहाँ पे विंडोज उस पर लेकर जाएंगे, सो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। बट जैसे हम इसको ऑन कर देंगे, उसके बाद आप देखना हमने ऑन कर दिया ये। सो हम जैसे अपने कर्सर को यहाँ लेकर जाएंगे तो हमें ऑप्शन मिल जाता है कि हम अपने इस विंडो को जो है रिसेंटली जो विंडो सिलेक्ट है उसको जो है कहाँ पे करना चाहते हैं, लाइक हम इसको जो है लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं, राइट पे करना चाहते हैं। जैसे राइट पे कर दिया हमने, तो ये देखिए हमारा और विंडोज़ खुल गई है, और विंडोज़ खुल चुकी है। तो हम जो है कौन सी विंडो को अपना लेफ्ट साइड पे रखना चाहते हैं, लाइक हमने ये रख लिया। सो हम जो है दो दो विंडोज़ का एक साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें कोई यहाँ पे भी काम करना है, यहाँ पे भी करना है। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको विंडो 10 है और आप विंडो 11 पर अपडेट नहीं कर रहे अभी और सोच रहे ये फीचर आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे है। आपको सिंपली जो अपने विंडोज़ की क्लिक करनी है एंड आपको कोई भी एरो की प्रेस कर देनी है, लाइक राइट कर देनी है, लेफ्ट कर देनी है, ऊपर वाली कर देनी है, तो आपका जो है आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। बट हाँ, उतने अच्छे से नहीं कर सकते जितना अच्छे से आपको विंडोज 11 में जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं। एंड हम बात करते हैं कस्टमाइजेशन की, तो आपको डेस्कटॉप पर जैसे आप क्लिक करोगे सो आपको दिखा जाएगा ऑन द टास्क बार सो ऑल द ओपन विंडोज। सो मेरे को जो है सारे अपने विंडो दिखाई दे रही है टास्क बार पे, ओनली ऑन द डेस्कटॉप आई एम यूजिंग, या फिर किसी और डेस्कटॉप पे भी। लाइक ये आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा डेस्कटॉप की बात कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप जो विंडोज प्लस टैब क्लिक कर दोगे ना, सो यहाँ पे हमें देखिए ऑप्शन मिल गया Desktop 1 प्लस हम एक और डेस्कटॉप जो है वर्चुअल डेस्कटॉप जो है यूज़ करना चाहते हैं, लाइक आप गेमिंग करना चाहते हैं एंड कोई काम भी करना चाहते हैं, लाइक आप किसी छुप के कुछ करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये, लाइक आप यहाँ पे गेम कर सकते हैं। एंड जैसे ही आपको, अगर आप एक लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपको जो अपनी 4 फिंगर्स यूज़ करनी है एंड ये लेफ्ट में स्लाइड कर देना है ऐसे करके, सो आप जो अपनी रिसेंट विंडो पे पहुंच जाओगे। एंड ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जो एक अच्छा ऑप्शन है, एंड ये कस्टमाइजेशन में काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। बट हाँ, अगर आप विंडो 10 है आपके पास, सो अगेन आप ये चीज़ कर सकते हो। बट कैसे कर सकते हो, आपको विंडोज प्लस कंट्रोल लेफ्ट कंट्रोल प्रेस करना है, प्लस आपको डी डी जो है प्रेस करना है, डी फॉर डुप्लीकेट, ठीक है, याद रखना आप। तो ऐसे आप क्लिक कर दोगे तो ये देखिए हमारे ये जो है यहाँ पर 3 अब डेस्कटॉप बन गए होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ही। तो ये देखिए बन गए ना, 1, 2, 3, 3 डेस्कटॉप हमारे बन चुके हैं। तो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कौन सा आपको जो यूज़ करना है। ये विंडो 10 वालों के लिए था कि आप ऐसे जो विंडो 10 में कर सकते हो, बट विंडो 11 में आपको जो है काफ़ी हैंडी फीचर दे दिया गया है। इसी के साथ आपको विंडोज 11 में जो एक इनबिल्ट फीचर देखने को मिल जाता है, लाइक कि आ गया हम जैसे हम पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक, सो हमारा ये जो खुल जाएगा एक ओपन इन विंडोज टर्मिनल, लाइक कि विंडो टर्मिनल है क्या, मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो विंडो टर्मिनल ये जो है इस तरीके को देखने को मिलता है, या विंडो 10 में कर सकते थे बट आपको जो है अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन अब विंडोज 11 में आपको जो है प्री इंस्टॉल्ड ये फीचर देखने को मिल जाता है। विंडोज 11 का जो एक अच्छा फीचर ये भी है कि आपको इसके अंदर जो विजेट्स देखने को मिल जाते हैं, विजेट वाली स्क्रीन ये रही। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो आपको जो वेदर का आ जाएगा, लाइक हम जो है मैं कहाँ पर रहता हूँ एंड क्या कहाँ का जो है वेदर वेदर शो हो रहा है, कितना टेम्परेचर है, यहाँ पर कुछ सजेशन आ गए, क्रिकेट इंटरनेशनल्स आ गए, फोटो आ गए, ठीक है।
सो यहाँ पे जो कई सारे विजेट आपको देखने को मिल जाते थे, लाइक आपको फोन में देखने को मिला करते थे स्क्रीन पे, बट आपको विंडो 11 में अब जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि विंडो 11 जो है माइक्रोसॉफ्ट वाले चाहते हैं कि वो ऑल प्लेटफॉर्म पे जो है यूज़ कर सके, लाइक विंडो 10 को जो है ऑल प्लेटफॉर्म पे लाइक मोबाइल्स पे यूज़ नहीं कर सकते थे अच्छे तरीके से, एंड मज़ा भी नहीं आता सच्ची में। बट विंडो 10 को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये जो है ऑल प्लेटफॉर्म्स पे जो है यूज़ कर सके। विंडोज 11 का जो एक हाईलाइट फीचर ये भी था कि आप इसमें जो एंड्रॉयड एपीके यूज कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बट मैं आपको एक चीज क्लियर बता देता हूँ, आप ये जो है एंड्रॉयड एपीके थर्ड पार्टी कहीं से डाउनलोड करके नहीं यूज कर सकते या इंस्टॉल कर सकते अपने लैपटॉप में बिना किसी थर्ड पार्टी एपीके लाइक ब्लू स्टैक के। सो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, लाइक ये यूट्यूब की ऐप डाउनलोड करी हुई है, ये इंस्टॉल हो जानी चाहिए थी अगर ये इसमें सपोर्ट करती तो, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसने मेरे को जो है विनजिप में खुल गया है ये, एंड इसमें हमें जो है फाइल्स दिख रही है, बट इसको हम किसी तरीके से जो है इंस्टॉल नहीं कर सकते। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, सो ये देखिए द फाइल फॉर्मेट इज यूज बाय द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल एप्स। सो ये देखिए एक्सट्रैक्ट एनीवे, जैसे हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे इसको, सो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये देखिए हम इसको यूज़ कर ही नहीं सकते। बट हाँ, आपको जो सुना होगा कि आप एंड्रॉयड की जो है ऐप्स यूज़ कर सकते हो, वो ऐसे कि आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर वाले ही अपनी जो एपीकेज या फिर जो सॉफ्टवेयर्स है जो आप मोबाइल ऐप पे यूज़ करते हो, लाइक अमेजोन प्राइम, अमेजोन नेटफ्लिक्स एंड और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स एंड्रॉयड वाले, वो आपको जो है अपना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जो प्रोवाइड करा देंगे, यहाँ से आप डाउनलोड करके जो है उस फॉर्मेट में आप यूज़ कर सकते हो, बट डायरेक्टली आप थर्ड पार्टी कहीं से डाउनलोड करके नहीं यूज़ कर सकते क्लियरली। अब हम एडिशनली बात कर लेते हैं कि लैपटॉप पर जो विंडो 11 में यूज़ कर रहा हूँ अभी, ये तो आपको पता होगा, अगर आप मेरे चैनल को जो फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा ये जो मेरे पास HP पेवेलियन गेमिंग लैपटॉप है DK02 69 TX वाला। सो मैं इसको जो है विंडो 11 को लैपटॉप पर यूज़ कर रहा हूँ अपने, एंड हाँ एक चीज़ मेरे को जो है पहले समझ में नहीं आ रही थी वो ये है कि जैसे मैं अपने इसको बैटरी आइकन पर क्लिक करता हूँ तो सारा ये जो एक नोटिफिकेशन पैनल खुल जाता है, जितने भी नोटिफिकेशन होंगे सारे यहाँ पे आ जाएंगे, एंड सारे मेरे को वाईफाई का ऑप्शन, ब्लूटूथ का ऑप्शन, एयरप्लेन मोड का, जितने मतलब ऑप्शन है ज़्यादातर छोटे छोटे वो हमें मिल जाएंगे। बट हाँ ये देखिए बैटरी सेवर मोड ऑन, अभी हम इसको एक्सेस कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने अभी जो है अपने लैपटॉप को चार्जिंग में लगाया हुआ है, जैसे ही मैं आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो आप देखिए चार्जिंग 100%, तो चार्ज हो चुका है 100%। बट हाँ एक चीज़ ये है कि इस पे जो है विंडो 10, जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता था, डबल क्लिक इन द सेंस कि दोनों एक साथ पे अपना टच पैड पे जो क्लिक करता था दोनों फिंगर्स से, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाया करता था विंडोज मोबिलिटी वाला, जो कि हमें जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा है। हम सेटिंग में भी जाएंगे तो भी हमें जो है यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑप्टिमाइज मोड, बेसिक, बेस्ट परफॉर्मेंस एंड पावर एफिशिएंसी बैलेंस, तो इसमें जो है हमारा अभी फुल मोड पे ऑन नहीं है, ये पूरा पावरफुल मोड ऑन नहीं है। मैं दिखा देता हूँ कैसे एक बारी। सो विंडोज मोबिलिटी आपको ओपन करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको विंडोज की क्लिक करनी है, सर्च ऑप्शन अपना खुल जाएगा, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे मोबिलिटी वाला, सो यहाँ पे जब विंडोज मोबिलिटी खुल गया, सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि बैलेंस है, बट वहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस शो हो रहा था। सो आपको जो है अपने लैपटॉप पे जो है वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी जो कि आपको जो है एक बेस्ट परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए, हाई परफॉर्मेंस यहाँ पे आ चुका ऑप्शन, जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम, सो ये देखिए हमारा हाई परफॉर्मेंस खुल हो चुका है, एंड यहाँ पे जैसे हमारी स्पीड बढ़ गई होगी डेफिनेटली, ये देखिए स्पीड बढ़ चुकी है हमारी हर चीज़ की। तो यहाँ पे आप गेमिंग करते हैं तो भी आपको फायदा होने वाला है, आप कोई पावरफुल वर्क करते हैं लाइक वीडियो एडिटिंग करते हैं, एंड कुछ हैवी वर्क करते हैं लैपटॉप पे एनिमेशन रिलेटेड करते हैं, कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सो भी आपको जो है यहाँ पे फायदा होने वाला है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और हाँ अगर आपके साथ भी ISO वाली प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताना जरूर।